दिल्ली के दरबारों से खबर खास जाएगी, नहीं तो तिरंगे में लिपटकर हमारी लाश जाएगी। किसान आंदोलन ये पूरे देश का आंदोलन है, अन्नदाता हमारा भगवान है, पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए, कर भी रहा है लेकिन खुल के। सत श्री अकाल, मैं खालसा ब्यूरो न्यूज से जसप्रीत सिंह। इस वक्त हमारे पास मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, मिस्टर अजय हुड्डा जी। आइए इनसे बात करते हैं एक बार कि ये जो नई लहर निकली है, इंकलाब लहर, एक लहर सर 1929 में निकाली थी भगत सिंह जी ने, इंकलाब की लहर। तब आपको पता, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज एक नई लहर निकली है जो कि टिकरी बॉर्डर से निकली है, इंकलाब लहर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन ये पूरे देश का आंदोलन है, अन्नदाता हमारा भगवान है, पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए, कर भी रहा है लेकिन खुल के। मतलब जो भी गोदी मीडिया है उसे भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए कि आंदोलन खत्म हो गया है। यह आंदोलन अब दुगने जोर और शोर से चलेगा। जैसा कि आपने देखा था, पीछे संसद का सत्र भी चला था जो कि 13 अगस्त को समाप्ति हुआ था। किसानों ने भी आगे होकर बढ़ाया इस चीज़ को। अब आप लोग सिंगर लोग हैं जो, इस चीज़ के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, कि हमारा काम है कलाकार का होते हुए, कि हमारा जो एक और सॉन्ग लेके आ रहा हूँ, दो सॉन्ग आ चुके हैं मेरे, अब तीसरा सॉन्ग आ रहा है मेरा 22 तारीख को। तो हमारा काम है लोगों को जागृत करना कलाकार का, लेकिन उससे पहले हम एक किसान के बेटे हैं, किसान हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब जो इंकलाब ये शुरू हुआ है तो ये अब मतलब जब तक जीत वापसी ना हो ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए, कायम रहना चाहिए, खासकर युवाओं के अंदर बहुत जरूरी। अजय जी, आपने भी जोश की बात की है तो हम चाहेंगे एक ऐसा गाना गाइए जिससे जोश पैदा हो युवाओं में। प्लीज, हम 2-3 लाइनें चाहते हैं आपसे गाने की। मोदी जी थारी तोब कड़े, हम दिल्ली आ गए, हम दिल्ली आ चुके हैं और मोदी जी से यही आग्रह है हमारा कि जब तक बिल वापसी नहीं, हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं। दिल्ली के दरबारों से खबर खास जाएगी, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर हमारी लाश जाएगी। शुक्रिया अजय जी।